ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों दोस्तों सप्लाई काशी के दिन घर ले आए ये चीज़ें, आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा, आपकी फूटी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सप्लाई काशी मनाई जाती है। कहते हैं एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत भी नहीं करता तो इस दिन एकादशी की कथा पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है, व्रत करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत है। माना जाता है सफला एकादशी का व्रत करने से घर में धन दान की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बनी होती है। आप भी भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन आज की इस वीडियो में बताई गई कुछ चीजों को अपने घर में जरूर लेकर आइए। इन चीजों को एकादशी के दिन घर में स्थापित करने से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा बनी होती है। दोस्तों यदि आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है तो सफला एकादशी के दिन चांदी से बने हंसों का जोड़ा अपने घर में लेकर आइए। एकादशी तिथि पर किसी भी समय इस हंस के जोड़े को आप लेकर आ सकते हैं। इस हंस के जोड़े को आपको पूजा के स्थान पर या अपनी तिजोरी में स्थापित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी, धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर होंगी। इसके अलावा वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं, घर में वास्तु की वजह से कोई आपकी परेशानी है तो सफला एकादशी के दिन आप चांदी से बना हुआ कलश अपने घर में लेकर आइए। कहा जाता है समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए थे और इस कलश को अपने घर में रखने से व्यक्ति के घर का वास्तु दोष दूर होता है। आर्थिक आपकी स्थिति भी ज़्यादा खराब है तो सफला एकादशी के दिन अपने घर में चांदी का बना हुआ कलश जरूर स्थापित करें। इसके अलावा दक्षिणावर्ती सिंह, जिसे भगवान विष्णु का प्रिय कहा जाता है, माना जाता है दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो सफला एकादशी के दिन अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख लेकर आइए और इससे भगवान विष्णु को अभिषेक कराइए और इस शंख को अपने घर में स्थापित कीजिए। इसके अलावा कछुआ, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कछुआ सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है चांदी से बना हुआ कछुआ या मछली आप अपने इस दिन अपने घर में लेकर आइए। शास्त्रों में भगवान विष्णु को मत्स्य या कछप अवतार का वर्णन इसमें दिया गया है। कहते हैं एकादशी तिथि के दिन कछुआ या मछली, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप अपने घर में लेकर आइए और इसे अपनी तिजोरी में रखिए। ऐसा करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, धीरे धीरे व्यक्ति के घर में धन की वृद्धि होने लगती है, धन की बरकत होती है। तो दोस्तों सफला एकादशी के दिन इन 4 चीज़ों को अपने घर में जरूर लेकर आइए। ये चीज़ें आपके घर में धन धान की वृद्धि करेंगी, आपके घर में बरकत करेंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।